नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यदि साइन एक्स की वैल्यू -1/2 है, साइन एक्स की वैल्यू यदि -1/2 है और एक्स यदि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, एक्स है वो आपका लाई करता है इन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो कहता है कोस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, एक्स चौथे क्वाड्रेंट के अंदर है, आपको कोस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सीधा सीधा उस साइन और कोस का रिलेशन आप लगाओगे बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन एक्स की वैल्यू है -1/2 इसका स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1/4 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा, तो यहां से कोस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आएगी बेटा वो 1 -1/4 आएगी, इसका मतलब 4 LCM 4 -1 3/4 आ गई। तो कोस एक्स की जो वैल्यू आएगी बेटा वो इसका रूट लेंगे तो +-√3/2 आएगी बेटा, ये इसका रूट लिया तो 3 का √3 हो गया, 4 का √2 हो गया, तो कोस एक्स की वैल्यू चौथे क्वाड्रेंट में एक्स आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और हमें वैल्यू कोस एक्स की बतानी है, तो कोस होता है बेटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव, फर्स्ट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेकेंट ऑल पॉजिटिव साइन कोसेकेंट, थर्ड के अंदर टेन कोट और फोर्थ के अंदर क्या होता है बेटा कोस होता है। ठीक है, तो कोस फोर्थ के अंदर पॉजिटिव होगा जिसकी वैल्यू क्या है बेटा √3/2 पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे बेटा ट्रायंगल से आप कैसे करते हैं, आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स में ये थीटा हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब यहाँ आप लिखते साइन एक्स की वैल्यू माइनस जो आ रहा है बेटा वो तो क्वाड्रेंट की वजह से आ रहा है चौथे क्वाड्रेंट में, तो साइन एक्स की वैल्यू आप इस नेगेटिव को छोड़ दो, नेगेटिव को छोड़ के आपने क्या लेनी है, बस 1/2 लेनी है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा। ठीक है, तो यहां से आप बेस निकाल दोगे तो आपके पास फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 था 1 का स्क्वायर 1 प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 2 था 2 का स्क्वायर 4, तो बेस स्क्वायर की वैल्यू 4 -1 3 आएगी, इसका मतलब बेस जो आएगा आपका वो √3 आ जाएगा बेटा। ठीक है, आपको लेनी वैल्यू किसकी है कोस की, तो कोस क्या होता है बेटा कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है आपका √3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2 है, तो कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा √3/2। अब देखो एक्स कौन से क्वाड्रेंट में था, चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे में कोस क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव √3/2 आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, अगर इस ट्रायंगल वाले मेथड से आप करते हो तो ध्यान रहे जो भी ये साइड दे रखी हो इनको आपको के लगाना होगा इनके साथ, बस अरे कोई नहीं पड़ेगा वैल्यू के ऊपर, कोस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका √3 के हो रहा है और अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका 2 के आ रहा है बेटा, के से के कैंसिल हो जाएगा, आंसर वही आना है √3/2, लेकिन आप यहां साथ में के लगा देना। के क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहां साइन एक्स का उसने रेशियो दे रखा है बेटा 1/2, एग्जैक्ट नहीं पता हमें ये साइड कितनी हो सकता है, ये साइन एक्स आपका 3/6 हो बेटा, ये साइड का जो साइड है इसका रेशियो 3/6 हो, कैंसिल होकर के तो रेशियो 1/2 ही आएगा, तो उसने तो ये रेशियो दे रखा है 1/2, हो सकता है एक्चुअली में 3/6 हो, कुछ और भी हो सकता है, तो इसके साथ हम क्या अप्लाई कर देंगे बेटा के लगा देंगे इनके साथ, आंसर आपका वही रहेगा। अब सेकंड पार्ट है बेटा, साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स की वैल्यू -1 है, यदि एक्स सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो साइन और सीकेंट की वैल्यू हमें अलग अलग बतानी है, आप इसको लिखोगे साइन एक्स सीकेंट एक्स को लिख दिया 1/cosx = -1, तो यहां से आपके पास आया बेटा tan x = -1। ठीक है, आप फिर से वही ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल आपने बना दी, ये आपका थीटा होगा ये 90 होगा, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, तो टेन होता है बेटा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका -1 है, -1 आपके क्वाड्रेंट की वजह से आ रहा है, बेस भी आपका 1 है, तो आपने हाइपोटेन्यूज निकाल दिया, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इसका रूट, तो हाइपोटेन्यूज आपका आएगा 1 + 1 इसका रूट, तो हाइपोटेन्यूज √2 आ गया बेटा। मैंने ये कहा था इनके साथ आप के अप्लाई कर देना, के लगा देना। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए साइन एक्स और सीकेंट एक्स, तो साइन एक्स कितना आएगा, यहाँ से साइन एक्स आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 / √2 के आएगा, के से के कैंसिल, साइन एक्स की वैल्यू 1/√2 आएगी,
अब एक्स आपका सेकंड के अंदर था, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव बेटा, पॉजिटिव होता है तो साइन एक्स की वैल्यू तो यही रहेगी, लेकिन जब सीकेंट एक्स निकालेंगे तो सीकेंट होता है कोस का उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज रूट टू के अपॉन बेस आपका वन के, तो यहाँ के से के कैंसिल हो गया, तो सीकेंट एक्स की वैल्यू आएगी बेटा रूट टू, लेकिन एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर इन सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट एक्स जो होता है वो क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, इसलिए सीकेंट एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस रूट टू आएगी बेटा, ठीक है। थर्ड आपके पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स की यदि वैल्यू जीरो है और एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन एक्स और कोस एक्स के अलग अलग वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो यहां से आपके पास है साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू जीरो बेटा, तो साइन एक्स की वैल्यू बन जाएगी राइट साइड आकर के माइनस कोस एक्स, कोस को नीचे ले जाओ तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो टेन एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन अपॉन वन, मान लो x वही चौथे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फोर्थ के अंदर 10 नेगेटिव होता है, तो वही फिर से आप राइट एंगल ट्रायंगल बना देना बेटा, जो अभी करवाया था, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस तो ये क्वाड्रेंट की वजह से आ रहा है क्योंकि साइड हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, तो ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो आपका हाइपोटेन्यूज आएगा रूट टू आएगा, ये आपको वैल्यू चाहिए साइन एक्स, तो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको आप के लगा दोगे साथ, तो परपेंडिकुलर है आपका 1 के अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट टू के, इसे के कट जाएगा 1 अपॉन रूट टू वैल्यू आएगी साइन एक्स, लेकिन एक्स कौन से में था बेटा, चौथे क्वाड्रेंट में, तो चौथे क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू आपकी क्या रहेगी, माइनस 1 बाई रूट टू रहेगी, ठीक है बेटा, इस तरह से आप कोस निकाल दोगे। चौथा क्वेश्चन, ये आपने 10th में पढ़े होंगे बेटा इस टाइप के क्वेश्चन, यदि किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपसे दे रखी है, तो कहता है बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने फाइंड आउट करने, और यदि एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो बेटा आप वही करो, ट्रायंगल से ही कर लो आप, आसान तो यही रहेगा। अब आपको वैल्यू दे रखी है यहाँ कोट एक्स, या आपका एंगल एक्स हो गया, तो कोट एक्स की वैल्यू दे रखी है 12/5, अब कोट होता है बेटा 10 का उल्टा, तो 10 तो होता है वो होता है बेटा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट क्या होगा, कोट एक्स होगा बेटा बेस बटा परपेंडिकुलर, और कितना दे रखा है 12/5, इसका मतलब बेस 12 है, परपेंडिकुलर 5 है, मैं हाइपोटेन्यूज निकाल देता हूं, तो हाइपोटेन्यूज आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और इसका रूट, तो हाइपोटेन्यूज आएगा 25 प्लस 144 इसका रूट, 169 का रूट आएगा बेटा, ये 13 आएगा बेटा, तो ये 13 आ गया, इनके साथ मैंने बताया था के लगा देना आप, बस इनके साथ के लगा दिया। अब आपको वैल्यू चाहिए साइन एक्स, आप लिखो साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स, टेन का उल्टा कोट हो जाएगा, कोस का उल्टा सेक हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेकेंट हो जाएगा बेटा, तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा 5k/13k, तो ये 5/13 आएगा बेटा साइन, ठीक है, 5k/13 के से के कैंसिल, तो 5/13 आ गया, लेकिन एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में, तो थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो -5/13 आ जाएगी, तो कोसेकेंट एक्स कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा करेंगे तो -13/5 हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेकेंट हो गया। अब उसने कोट एक्स तो दे ही रखा है बेटा, कोट एक्स कितना दे रखा है उसने 12/5, तो कोट का उल्टा कर देंगे तो टेन एक्स कितना आएगा बेटा 5/12 आएगा, ठीक है ना, ये आपने 10th में किया था, बस कोस और सेक बचता है, तो कोस क्या होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 12k, हाइपोटेन्यूज है 30k, तो के से के कैंसिल, तो कोस आपका 12/13 आ गया, लेकिन एक्स कौन से में था, थर्ड में, तो थर्ड में कोस क्या होता है नेगेटिव, इसका मतलब कोस एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा -12/13 आएगी, तो सेक एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी बेटा -13/12 आ जाएगी।